इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सबके हित में जो व्यवहार उचित हो वो कहिए। हम सभी आर्त हैं, अस्तु। आर्त को कुछ धर्म तत्व समझ में नहीं आता, गुरु जी के लिए तो बहुत बड़ा व्यवहार है, परंतु परमात्मा श्री राम ने एक वाक्य में सब समाप्त कर दिया। सुन मुनि बचन कहत रघुराओ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाओ। प्रभु ने कहा, हे नाथ, आपके ही हाथ में सब उपाय है। कथा के बाद मेरे से कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एक सिद्धांत आपको मैं सुना देता हूं। वह व्यक्ति कितना भी महान हो जाए, वह व्यक्ति, यह व्यक्ति, यह व्यक्ति, परंतु उसकी महानता में काला टीका लगा ही रहेगा यदि उसने अपने श्रेष्ठ का सम्मान न किया। कोई व्यक्ति हो, प्रजा हो, राजा हो, साधु हो, ब्रह्मचारी हो, उत्तराधिकारी हो, एनीबडी एल्स, संस्था है श्री दुर्गा मंदिर समिति, श्री राम मंदिर समिति, नया जो पदाधिकारी उपस्थित हो, वो श्रेष्ठ पदाधिकारी जो संरक्षक मंडल है, उसका सम्मान उसके नेत्रों में होना चाहिए। यही सनातन धर्म की मर्यादा है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी पूजी है। हम अपने श्रेष्ठ का सम्मान करते हैं, और जो श्रेष्ठ का सम्मान नहीं करता है तो सावधान, ये प्रकृति जड़ है, प्रकृति उससे हिसाब अवश्य करती है। चाहे जो हो, राजा हो, प्रजा हो, पूज्य पिताजी नहीं है, लेकिन यहां रघुवंश पुरोधा गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी का पिताजी जैसा सम्मान है, और अभी मिथिलापति उपस्थित होंगे, उनका भी पिता जैसा सम्मान है। श्रेष्ठ का आदर हुआ, वही भगवान का आदर है। श्रेष्ठ के आदर से ही भगवान का आदर है, कहना न पड़े। ये कहने की कथा नहीं है, राम कथा रहने की कथा है। इसको रहा जाए, और जो रहा जाएगा तो जीवन सुगंधित हो जाएगा। जैसे गुरुदेव भगवान ने प्रस्ताव रखा, मेरे प्रभु ने क्या कहा, सब कर हित रावुरी रुख राखे आयस किए मुदित फोर भाखे। प्रभु, आप जो सोचें, आप जो विचारें, देखिए, रुख मैंने कहना नहीं होता, रुख मैंने आंख का इशारा होता है। आप देखते हैं ना, मैं 3 घंटे में जो कथा कहता हूं, इस कथा के साथ इस साथी लोगों से मैं अपना रुख मिलाए रहता हूं, कभी कानी उंगली उठाता हूं, कभी बीच वाले उठाता हूं, कभी घुमाता हूं, कभी ऐसे करता हूं। ये लोग रुख इतना पकड़ते हैं कि जो हम कहते हैं वही बजता है। 1,00,000 ताल बजा रहे हूं, मैंने हाथ उठाया तो ताल रुकेगा। क्यों? कथा सुनाने के लिए हम आए हैं कि बाजा बजवाने के लिए आए? ये नहीं, इनकी बड़ी कृपा है कि जब हम रोक देते हैं तो रोक देते, कलाकार होते तो भाग जाते, महाराज ये पकड़ो, दक्षिणा लाओ, नमस्ते।
आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके परिवार में कोई बच्चा, बेटी, बहू, बेटा, भाई, पोता, पौत्र आपके रुख को समझने वाला हो। प्रभु ने कहा सबकर हित आपके रुख को समझकर और पालन करने में है, वही सत्य होगा। औरों को तो नहीं जानता हूं। प्रथम जो मो कहूं आय सो माथे मान करो सिख सो पुनि जे ही कह जस कह भांति घर की सेवका। प्रभु ने निवेदन किया गुरुदेव प्रथमतया जो मुझे आप कहेंगे हम उसका वैसा ही पालन करेंगे और तत्पश्चात जिसको आप जो कहेंगे वह उसका पालन। यह हमारी परंपरा है। हम कथा में सुनाते हैं, आप सुनते हैं, आप उसका पालन करते हैं, तभी न कथा सधती है। आप सुनते पालन न करते तो फिर बार आप बार बार क्यों सुनते। मेरी कथा वांछनीय कथा नहीं है, यह प्रायोगिक कथा है। लोग सुनते हैं और सुनकर अपने परिवार में रहते हैं, इसलिए इसका प्रभाव है। नहीं रहते तो कौन सुनता बार बार है? बार बार यही कथा होती है, बार बार सुनते हैं। हमारे एक मित्र हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं, तो पहली बार जब उनके घर में गया तो वो वैसे अपने घर में थे जैसे नगर का शहर का एसएसपी रहते हैं। पिता बैठा है तो बच्चे सारे सिर झुकाए खड़े हैं। मैं एक घंटा देखा, दो घंटा देखा, भोजन कराना, भोजन लाइए, भोजन आ गया। बच्चे बाप के सामने बैठे नहीं, कोई बात पूछो तो दूर चले जाते हैं, कहते नहीं। तो मैं तीन घंटे बाद जब मैं भोजन के बाद विश्राम कर लिया तो उनको कमरे में बुलाया। हमने कहा अरे यार आप पिता हो कि डॉन हो? कह क्या हो गया महाराज जी, आप लोग समझ रहे हो ना? तो मैंने कहा ये आपके बच्चे न मेरे पास बैठते हैं न आपके पास बैठते हैं, आप इतनी ऐठन में क्यों रहते हो? तो बोले नहीं मैं समझ नहीं पाया। हमने कहा अब आप आज तो मैं नहीं समझाऊंगा, अब दोबारा जब मिलेंगे आप तब समझाऊंगा। 8 साल पहले की घटना है। आज उनके बच्चे तो क्या उनके जो पोता पोती हैं उनके ऊपर लौटते हैं और बच्चे पूछ पूछ व्यवहार करते हैं। ये रामकथा का प्रतिफल है। जितनी दूरी आप बढ़ा लोगे परिवार में अपने रोब गांठने में जितनी दूरी आपने बढ़ा लिया उतना काम बिगड़ता जाएगा। बच्चे कह नहीं पाएंगे तो पड़ोसी अंगल से पूछेंगे। अब पड़ोसी अंकल यही चाहेंगे कि जल्दी बिगड़े कि कोठी बिगड़े कि हम खरीद लें। इसलिए बच्चों के साथ सहज रहिए, सहज रहिए। बहुत तगड़ा अरे अकेले मेरे औरा से क्या होना है? यदि परिवार का औरा सहजावस्था में नहीं आएगा तो हमारे औरा से सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। हम बहुत अच्छे हैं तो समाज अच्छा नहीं होगा। हम थोड़ा कम अच्छे रहें, थोड़ा थोड़ा सब अच्छे रहें तो समाज दिव्य बन जाएगा। गुरुदेव भगवान से प्रभु कहते हैं मुझे जो आज्ञा होगी मैं पालन करूंगा और जिसको जो आपकी आज्ञा होगी वो सब पालन करेंगे। गुरु जी ने कहा राम जी कहते तो आप सत्य हो परंतु मैं क्या करूं, भरत जी के स्नेह ने मुझे विचार शून्य कर दिया है।
इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, क्यों मेरी मति भरत जी के भक्ति के वशीभूत हो गई है, इसलिए मैं आपसे एक सिद्धांत कहता हूँ। क्या? देखिए गुरु वचन, मोरे जान भरत रुचि राखे, मोरे जान भरत रुचि राखे, जो कीजिय सो शुभ शिव साखे, जो कीजिय सो शुभ शिव साखे, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। मेरे जान मन मेरी समझ से भरत जी की रुचि की रक्षा करते हुए, भरत जी की क्या रुचि है? आप जो व्यवहार करेंगे वही उचित होगा, ये मैं शिव जी की साक्षी लेकर कहता हूं। करना क्या है? भरत जी के विनय को आप आदर पूर्वक सुन लीजिए, उस पर विचार कर लीजिए, तत्पश्चात साधुमत, लोकमत, राजमत और श्रुतिमत, ये चारों को एक साथ बिठाकर जो उचित हो वही करिए। यदि कथा को यही विश्राम करना हो तो एक वाक्य में सब कहा जा सकता है, लोकमत, साधुमत, राजमत और श्रुतिमत। जानते हैं आनंद कब होता है? चित्त में। जब आप कोई कर्म करें और उस कर्म व्यवहार से प्रसन्न होकर कोई आपके आपकी प्रशंसा करे, अपनी प्रसन्नता पर इतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितना अपने बच्चों की प्रशंसा पर प्रसन्नता होती है। पिता गदगद हो जाता है, मुस्कुराता है, सब भगवान की कृपा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।